पूरा YouTube चैनल पर ऐसी कोई ट्रिक नहीं आपको बताएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉप अंडर एड और यहाँ पे सोशल बार एड से ये इन दोनों से मुझे अर्निंग ये इतनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि $92 यहाँ पे मुझे आई है। सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये 4 दिनों के अंदर अंदर आई है। रुको जरा, सबर करो, आज मैं अपने वाली ट्रिक आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान से इस ट्रिक को फॉलो करना, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक एक चीज आपको बताऊंगा और आपने मुझे ये भी बताना है कि इस ट्रिक का फॉलो करके आपको कितनी ज्यादा अर्निंग मिल रही है। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ब्लॉगर पर जाता हूँ, तो यहाँ पे व्यू ब्लॉगर पर क्लिक करके तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि अभी क्या हो रहा है और बाद में क्या होगा। तो अभी यहाँ पे मैंने व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे सोशल बार एड चलेगा और यहाँ पे एक पॉप अंडर एड यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं कि सोशल बार भी एड आ चुका है। तो ये देखें कि अभी ये जो एड है ये हमने लगाए तो उसी तरह है, लेकिन एक ट्रिक जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने ब्लॉगर पर आना है। ब्लॉगर पर आने के बाद यहाँ पे थीम पे आपने क्लिक करना है, फिर आपने HTML पे क्लिक करना है। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कोडिंग आ जाएगी। अभी हम एडस्टेरा में जाते हैं, तो यहाँ पे आपने जोन सी भी वेबसाइट का आपने एड वगैरह लगाना है, उसको आपने सिलेक्ट करना है। मैंने ऑल कोड पे क्लिक किया, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोड सारे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है, तो यहाँ पे पहले आपने ट्रिक समझ लेनी है, फिर आपने ट्राई करना है, फिर ना कहना कि एरर आ गया मुझे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि पॉप अंडर एड को पहले सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कॉपी हो चुका है। यहाँ पे हमने हेडर के नीचे पेस्ट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर और यहाँ पे नीचे आपने क्या करना है कि आप एक दफा यहाँ पे पेस्ट करते हो तो आपने 2 दफा पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। बैक जाके आपने पहले सेव कर देना है 2 दफा पेस्ट करके। तो यहाँ पे मैं ब्लॉगर पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे HTML में फिर से मैं चला जाता हूँ। तो यहाँ पे 2 दफा मैंने पेस्ट किया है, तो यहाँ पे अभी ये देखें कि 1 दफा ये आ रहा है ना, यहाँ पे 2 आएंगे। फिर अगर एक बार वो क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पे $1 मिल रहा था, आपको $2 मिलेंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया कि ये तो सोशल बार एड मैंने दिखाया है ना, तो आपने सोशल बार एड जो है आपने किस तरह लगाना है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आपने एंड पे चला जाना है, ठीक है। एंड पे जाने के बाद यहाँ पे आपने इधर भी आपने किस तरह पेस्ट करना है ये देखेंगे। बॉडी के नीचे यहाँ पे 2 आपने पेस्ट कर देना है, 2 दफा ये देखेंगे मैंने किए हुए हैं। तो इसके ऊपर भी एक कर देना है, ठीक है। ये ना हो के आप यहाँ पे लाइन लगा दें तो फिर बाद में एरर आ जाए, आपकी वेबसाइट को मसला भी आ सकता है। तो मैंने जितने जितने बताए हैं ना आपने उतने ही लगाने हैं। तो यहाँ पे अभी जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने एड ही एड शो हो जाएंगे, जहाँ पे भी वो क्लिक करेगा तो उस एड की आपको डबल अर्निंग मिलेगी। तो जिस तरह के मेरी यहाँ पे आपको शो भी हो रही है पॉप अंडर एड और यहाँ पे सोशल बार एड की आपको यहाँ पे नजर भी आ रही है कि $49 जो है मैंने पॉप अंडर से अर्न किए हैं और यहाँ पे सोशल बार से मैंने $41 किए हैं। तो यहाँ पे ऊपर आप देख भी सकते हैं कि मैंने 4 दिनों के अंदर अंदर ये किए हैं। अगर आप CPM बढ़ाना चाहते हैं जिस तरह ये मेरा शो हो रहा है, तो आपने क्या करना है कि मेरे चैनल पे जाना है, यहाँ पे Part 1 आपने देख लेना है। इसमें मैंने A to Z आपको बताया कि आपने किस तरह आप CPM बढ़ा सकते हैं। इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद ही क्लिक करके तो आप अर्न किस तरह कर सकते हैं, जिस तरह के एडस्टेरा को भी पता नहीं चलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। Thanks for watching.